ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड सर्कम रेडियाई ऑफ ए बी डी एंड ए सी डी आर 12.5 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो चलो पहले तो इसको बना लेते हैं। तो रोम्बस तो आई गेस तुम्हें सबको पता ही होता है क्या है रोम्बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। फिर उसके बाद इसमें क्या किया इसने, चलो इसको मैं यहाँ पर ऐसे डायगोनल बना लेता हूँ, ये एक डायगोनल बना लेता हूँ। ठीक है, इसने क्या बोल दिया, एरिया द सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा, ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, राइट, ये वाला ट्राइंगल, ये जो लिखा है ए बी डी। ठीक है, इसका सर्कम रेडियस कितना, इसको आर वन बोल दिया। ठीक है, ये कितना लिखा है यहाँ पर, 25/2 बोल दिया। ठीक है, 12.5 को, एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड द ट्राइंगल ए सी डी। अच्छा, ए सी डी मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से ये वाला, इस तरह से ऐसे हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, इसको हमने चलो आर टू बोल दिया, ये कितना हो जाएगा, 25 लिखा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, एरिया निकालना है। चलो ठीक है, तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि चलो इन सब सबकी साइड्स तो क्या होगी, सेम ही होगी, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हमने क्या बोल दिया, एक डायगोनल को हमने वाई बोल दिया, दूसरे डायगोनल को हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। इसका मतलब देखो, यहाँ पर देखो, ये कितना हो जाएगा, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी ए होगा, ये वाला भी ए होगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखो फॉर्मूला किसका यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर सर्कम रेडियस दे रखा है तो मुझे पता है फॉर्मूला ये होता है ना, ए बी सी अपन यहाँ पर कितना होता है, 4 डेल्टा होता है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, पर जैसे तुम अगर इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वन। ठीक है, इसके लिए ए बी सी क्या हो जाएगा, इसके लिए ऐसे हो जाएगा, ये ए हो गया, फिर से ए हो गया, और वाई हो गया। समझ में आ रहा है किसको लिख रहे हैं, देखो इसको लिख रहे हैं यहाँ पर। इनके लिए साइड्स क्या हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या कर दिया, 4, और इसको हमने क्या बोल दिया, चलो डेल्टा 1 बोल दिया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से तुम कैसे लिख सकते हो, यहाँ से ये जो आ जाएगा डेल्टा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर वन हो गया। सही है, और मुझे ये भी पता है कि इसका ये जो एरिया होगा, एरिया ए बी सी डी जो होगा, ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए, ठीक है, ए बी डी, ये तो होना ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, किधर से कहीं से भी ले लो तुम, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसका 2 तो होगा ही। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 डेल्टा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा सही से लिखो, यहाँ पर 4 भी था, राइट, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन, ये हो जाएगा 4 आर वन। सही है, यहाँ से तो ये निकल गया मेरे पास। फिर क्या किया, चलो वही सेम काम क्या करते हैं, इसके लिए भी कर लेते हैं, सेकेंड वाले के लिए। ठीक है, इस वाले के लिए कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टू, ऐसे हो जाएगा आर टू इज इक्वल्स टू ए बी सी। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए इंटू ए, ये एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डेल्टा 2। डेल्टा 2 किसका बोल दिया, किसका एरिया, ये ए सी डी का, राइट। तो यहाँ से देखो डेल्टा 2 कितना आ गया, ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो गया, 4 आर टू हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, इसके लिए भी अगर मैं बोलता हूँ रोम्बस का एरिया जो होगा वो क्या होगा, 2 ऑफ, यही तो होगा ट्राइंगल ए सी डी। सही है, इसके लिए भी यहाँ पर ये क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 4 आर टू हो गया। ठीक ठीक है, तो अगर हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस यहाँ से भी ये आ गया, यहाँ से भी आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, इनको इक्वेट कर दिया। तो तुम पहले तो क्या करो, ये और ये काट दो, तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर से इसको काटा तो ये 2 हो गया। तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर वाई अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 2 आर वन, दिस इज इक्वल्स टू, ये जगह ए स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन, ये हो जाएगा 2 आर टू हो गया। तो तुम देख लो यहाँ से भी क्या क्या कट रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ गया, वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा आर वन बाय आर टू हो गया। आ रहा है समझ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम क्या करो, इसकी वैल्यू पुट अप कर दो। तो यहाँ से कितना जाएगा, वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू, आर वन कितना है, देखो आर वन था 25/2, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 हो गया, और ये कितना, ये 25 है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो वाई बाय एक्स कितना आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से y बाय एक्स आ चुका है, तो अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ इधर। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसको रब कर दिया। अब तुम देखो इसको, मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। चलो मैंने इसको मिड पॉइंट क्या बोल दिया, इसको m बोल दिया। तो मैंने ट्रायंगल ये वाला ले लिया, देखो इस तरह से, ये d ले लिया, ये c ले लिया, ये m ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, देखो ये जो होगा ये क्या होगा, देखो ये जो लेंथ होगी ये पूरी y बाई टू हो जाएगी ना। अगर पूरा BD अगर y है तो MD कितना हो जाएगा, y बाई टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x बाई टू हो जाएगा। समझ में आता है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ये थीटा हो गया, राइट। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग इसको थीटा बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा तो ये 2 थीटा हो जाएगा।
सही है, ये भी टू थीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं टेन थीटा की। अच्छा, और एक चीज़ हमें एक और पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो कैसे काटते हैं, 90 पे काटते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 है तो ये 90 है। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तुम चाहो तो तुम उसको सही से बना लो, ऐसा है ये ट्राइंगल। ठीक है, ये डी है, ये एम है, ये क्या है, सी है, ये एक्स बाई टू है, ये कितना है, वाई बाई टू है। ठीक है, ये यहाँ पर कितना है, 90 है, और थीटा हमने किसको मान लिया, इसको मान लिया। तो यहाँ से बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा विल बी ऐसे हो जाएगा एक्स बाई टू अपॉन, ये कितना हो जाएगा, वाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई वाई हो जाएगा, जिसका रेशियो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा एक्स बाई वाई, यहाँ से लिख लिया। ठीक है, यहाँ से तो अगर मुझे यहाँ पर टेन थीटा पता चल गया, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, साइन टू थीटा निकाल लेता हूँ। क्यों साइन टू थीटा निकालूंगा, तुम देखते जाओ। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन टू थीटा निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो ये कितना होता है, टू टेन थीटा अपॉन, ये कितना देगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज रख दो, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर टू हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर बाय फाइव आ गया, ये कितना गया, साइन टू थीटा आ गया। ठीक है, फिर देखो हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल उठा लिया, कौन सा, ए सी डी वाला। ठीक है, ए सी डी वाला, क्या पता हमें इसके लिए, ये ए है, ये ए है। ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। और साथ में हमें ये पता है कि इसका जो सर्कम रेडियस था वो कितना था, यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा था ना, यहाँ पर 25, राइट, आर टू इज इक्वल टू 25, ये गिवन था इसके लिए। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मुझे बताओ, जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर ऐसे लिखते ना, बी इज इक्वल टू टू आर साइन बी, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो इस वाले के लिए देखो कैसे लिखोगे, मैं एक्स के लिए लिख रहा हूँ, तो एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, आर की जगह यहाँ पर आर टू आ जाएगा, जो उसका सर्कम रेडियस है, और साइन क्या आ जाएगा, साइन बी। तो इसके लिए देखो अपोजिट एंगल कौन सा है, टू थीटा, तो ये आ गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इधर। तो देखो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टू, आर टू यहाँ पर कितना था, 25 था, राइट। और यहाँ से साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया। तो यहाँ से देखो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम काट लो उसको, ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 40 हो गया। तो अगर x यहाँ पर 40 हो गया, तो तुम y भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना, यहाँ पर ये कितना था, y by x was 1/2, राइट। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा x by 2, that is 20 हो गया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ अ रोमबस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, ये होता है ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इंटू y हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, हाफ इंटू ये हो जाएगा 40, ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 20। तो तुम क्या करो, इसको काट लो, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, 400 स्क्वायर यूनिट। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, काफी इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा तुमको इससे। ठीक है, और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, लिख लो तुम इसको। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए दे रखा है 90, एंड द रेशियो द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड मतलब यहाँ पर कितना हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एस्क्राइब टू द हाइपोटेनस। अच्छा, एस्क्राइब टू द हाइपोटेनस मतलब देखो इसको बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बोल रहा है इस तरह से कुछ, यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक तो यहाँ पर कौन सा रेडियस बोल रहा है, जो यहाँ पर इस ये जो सर्कल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक जो सर्कल बनेगा इसका, ये तो कैपिटल आर होगा। ठीक है, और साथ में इसने क्या बोल दिया, एंड द एस्क्राइब सर्कल मतलब बेसिकली इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर ये जो बन रहा है ना ट्राइंगल, ऐसे हाइपोटेनस में बनाना है, मतलब ये वाला बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सही है। ठीक है, तो अगर ये ए के सामने, तो तुम इसको क्या बोलोगे, आर वन ही तो बोलोगे। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या बोल रहा है, एस्क्राइब्ड लिखा ना, एस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है, बाहर बनने वाला। ठीक है, इंस्क्राइब्ड लिखा होता तो अंदर बन जाता, तो इंस्क्राइब्ड वाला तो एक ही होता है। तो अगर इसने बोल दिया हाइपोटेनस में बनना है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस में तुमने बना दिया। सही है, तो ये क्या बोल रहा है, आर वन मतलब ये बोल रहा है आर अपॉन आर वन का जो रेशियो है वो कितना है, रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, ये बोल दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एंगल बी और सी निकालना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो हमें ये तो पता ही है कि आर वन कितना होता है, ऐसा होता है कुछ 4R, याद है वाला फॉर्मूला, साइन ए बाई टू, ये हो जाता है कॉस बी बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आर वन अपॉन कैपिटल आर, दिस इज इक्वल्स टू 4, ये कितना हो जाएगा साइन। अच्छा, साइन ए बाई टू के बारे में तो हमें पता ही है, ए एंगल कितना है यहाँ पर, 90 है ना, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो कॉस बी बाई टू ही रहेगा, और ये रहेगा कॉस सी बाई टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका रेशियो यहाँ पर क्या है, ठीक है, रेशियो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, उसको उल्टा लिख लो, तो ये लिखा है रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन यहाँ पर कितना हो गया, ये हो जाएगा रूट टू, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस बी बाई टू, और यहाँ पर लिखा है कॉस सी बाई टू।
ओके, तो यहाँ पर तुम देख लो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, एक तो यहाँ से रूट टू और रूट टू कट गया, और साथ में क्या किया, रूट थ्री बाय रूट थ्री प्लस रूट टू तो ऐसे ही रहेगा। फिर देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर ऐसे टू लिखा और टू इसको दे दिया, कॉस बी बाई टू, और ये कितना जाएगा, कॉस सी बाई टू। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफैक्टराइज कर सकते हैं ना। तो जब तुम इसको डिफैक्टराइज करोगे तो देखो ये कितना बन जाएगा, टू टाइम्स तो ये तो रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस बी माइनस सी बाई टू। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, डिफैक्टराइज कर दिया, और यहाँ पर कितना लिखा, ये लिखा है रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है, अच्छा हमें एक और चीज ये पता है कि अगर एंगल ए अगर 90 है तो इसका मतलब बी प्लस सी भी यहाँ पर क्या बचेगा, 90 बचेगा, तो इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या किया, इसको लिख दिया, ये कितना लिखा है रूट थ्री प्लस, ये क्या लिखा है रूट टू, ये हो जाएगा टू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा, सही है, कॉस 45 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, उसकी वैल्यू पुट अप कर दो, तो ये कितना जाएगा टू, ये हो जाएगा 1/√2, प्लस यहाँ पर ये तो ऐसे ही लिखा है, कॉस बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, रूट थ्री प्लस रूट टू। एक काम करो, अब टू को तुम अंदर लेके जाओगे, तो जब तुम टू को अंदर लेके जाओगे तो ये रूट टू बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कट जाएगा वो, और ये कितना हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो इससे फायदा ये हुआ कि रूट टू कट गया। ठीक है, रूट टू और रूट टू कट गया, तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया कॉस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री, और ये वाला जो टू है इसको डिवाइड कर दिया, समझ में आ रहा है कौन सा वाला टू, ये वाला टू को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अगर मुझे ये मिल गया तो इसका मतलब कॉस बी माइनस सी बाई टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू, तो हमें पता ही है कितना होता है, ये हो जाएगा पाई बाई सिक्स, सही है। तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा बी माइनस सी बाई टू कितना आ गया, पाई बाई सिक्स आ गया। तो बी माइनस सी टू को ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री, जिसको तुम कैसे लिख लो, 60 लिख लो। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बी माइनस सी अगर तुम्हें पता है और बी प्लस सी अगर तुम्हें पता है तो तुम बी और सी तो निकाल ही सकते हो ना। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो निकाल लेना, अपने आप आ जाएगा। तुम देख लो यहाँ पर कितना, इसको तुम ऐड करो तो यहाँ से कितना जाएगा, एक 75 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, सही है। इजी क्वेश्चन ही था ये, तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, तुम बना लो इसको, डायग्राम को अच्छे से बना लो और लिख भी लो। ठीक है, ये डायग्राम है, एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है, जो तुम देख रहे हो सबसे बड़ा वाला सर्कल इंस्क्राइब्ड है। फिर हमने क्या किया, और तीन सर्कल बना लिए जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, साइड्स को भी टच कर रहा है, साथ में सर्कल्स को भी यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड, मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो होगा ना, इसके लिए ये जो होगा यहाँ पर, इसके लिए हमें ये निकालना है। ठीक है, ये रेडियस निकालना है, समझ में आ रहा है, ये आर निकालना है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए वर्क करना शुरू किया, क्या किया इसको, इसको चलो एक काम करते हैं फिर से अच्छे से बना लेते हैं, ऐसे कुछ है ये, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो हमें एक सर्कल दिख रहा है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे सर्कल बना लिया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से, ये एक एंगल बाइसेक्टर ही है, राइट, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब हमें ये पता है कि ये कितना होगा, ये ए बाई टू होगा, और ये भी कितना होगा, ए बाई टू होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर भी एक सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसको भी बना लो तुम, जैसे यहाँ पर भी एक सर्कल क्या इस तरह से दिख रहा है ये। ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ पर कितना है, आर वन है, मतलब ये कितना है, ये आर वन है, राइट, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको इसको आई बोल, राइट, इन सेंटर ये, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो हमने यहाँ पर क्या किया, तुम इस तरह से देखो, अगर समझो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी इस तरह से, अगर यहाँ पर मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सही है, अगर यहाँ पर मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सीधी साथ ये और ये तो पैरेलल ही हो गया। ठीक है ना, एक लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर आ गए तो मतलब पैरेलल हो गया यहाँ पर। तो तुम अब इस वाले ट्राइंगल में जरा ध्यान दो, जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पर, इसको क्या बोल दिया, इसको आई बोल दिया, इसको चलो ये वाले पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, एम बोल देता हूँ, और इसके सेंटर को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, कुछ भी बोल दो, पी बोल दो, तो ये हो जाएगा पी, और ये एम, तो ये यहाँ पर 90 है। ठीक है, तुम देखो एक एक करके यहाँ पर देखो, इसकी लेंथ देखो, ये जो लेंथ होगी पी आई की, जो लेंथ होगी, ध्यान दो देखो डायग्राम में, ये हो जाएगी आर वन प्लस आर हो गई, आ रहा है समझ में। ठीक है, उसके बाद ये जो लेंथ होगी देखो, एम आई जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी वो देखो क्या होगी, तुम इस तरह से देखो, ये पूरा क्या था, देखो ये पूरा तो आर था, ठीक है, सही है, ये पूरा आर था, और देखो डायग्राम में देखो, ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया कंबरसम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर कितना, ये आर वन है, तो सीधी सी बात है, ये इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर वन हो जाएगी,
समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, मतलब देखो इतना वाला पोर्शन कट जाएगा ना, इतना वाला जो पोर्शन है ये कट गया तो क्या हो गया, आर माइनस आर वन हो गया। समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी आर माइनस आर वन हो गया, ठीक है। और साथ में अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो एंगल, मतलब कौन सा वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल हो गया, ये भी ए बाई टू हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम देख समझ लो इस चीज को, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एक काम करो, खुद से डायग्राम बनाओ। देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, एक ही सर्कल के लिए भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर वन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर टू और आर थ्री के लिए भी बात करेंगे। क्या किया हमने, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे इस तरह से ये बना लिया। देख लो तो हमने देखो क्या क्या किया, सब कुछ अच्छे से देख लो। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है ये, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके लिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, आर प्लस आर वन हो गया, ठीक है। बेस यहाँ पर कितना हो गया, आर माइनस आर वन हो गया। अच्छा ये तुम निकाल सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकाल लो। तो चलो निकाल लेते हैं इसको, जरूरत पड़ सकती है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आर प्लस आर वन का स्क्वायर हो गया माइनस आर माइनस आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका रूट हो जाएगा। तो तुम इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, आर वन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, टू आर वन, ठीक है, आर और आर वन हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा टू आर वन आर वन, टू आर आर वन हो गया, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ से क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ से कितना जाएगा, फोर आर आर वन हो गया, ठीक है, इसका रूट है ये, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, टू रूट आर आर वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रूट आर आर वन हो गया। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो मैंने क्या किया, ठीक है, तो देखो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से ऐसे लिखा कॉट ए बाई टू, तो कॉट ए बाई टू क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा, टू रूट आर आर वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस आर वन हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसको देख के, अब तुम कॉट ए बाई टू को देख के मुझे बताओ, अगर मैं यही सेम काम इधर करता, देखो इधर अगर मैं सेम काम यहाँ पर बी के लिए करता, तो यहाँ पर मुझे बताओ कॉट बी बाई टू कितना आता, देखो एग्जैक्टली इसी तरह से होता है, ये होता है टू आर, अगर यहाँ पर आर वन है तो यहाँ पर आर टू आ जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना है, इसका रेडियस यहाँ पर आर टू है, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाता, बिल्कुल सेम ऐसे ही आर माइनस आर टू हो जाता। आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मुझे बताओ, अगर यहाँ पर कॉट सी बाई टू निकालता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता टू रूट आर आर थ्री अपॉन, ये कितना हो जाता, आर माइनस आर थ्री आ गया। आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको मिटा दिया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉट ए बाई टू मिल गया, कॉट बी बाई टू मिल गया, कॉट सी बाई टू मिल गया, ठीक है। अब देखो इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कोई भी ट्रायंगल के लिए कॉट ए बाई टू के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, समीशन कॉट ए बाई टू इज इक्वल्स टू पाई कॉट ए बाई टू, ऐसे होता है। इसका मतलब क्या लिखा है, कॉट ए बाई टू प्लस यहाँ से कितना जाएगा, कॉट बी बाई टू प्लस ये कितना जाएगा, कॉट सी बाई टू, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये कितना जाएगा, कॉट ए बाई टू, ये कितना जाएगा, कॉट बी बाई टू, और ये कितना जाएगा, कॉट सी बाई टू। अब तुम क्या करो, एक एक करके वैल्यूज पुट अप कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा आर आर वन अपन, यहाँ पर कितना लिखा है, आर माइनस आर वन लिखा है, प्लस ये कितना जाएगा, टू रूट आर वन आर टू, ये हो जाएगा आर माइनस आर टू, प्लस ये कितना हो जाएगा, टू, ये हो जाएगा आर आर थ्री अपॉन, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर थ्री हो गया। यहाँ पर क्या होगा, सबका मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, और यहाँ पर सब कुछ ब्रैकेट में ऐसे आ जाएगा, आर आर वन, ठीक है, फिर आर आर टू, और ये कितना हो जाएगा, आर आर थ्री, राइट। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर वन, ये हो जाएगा आर माइनस आर टू, हो जाएगा आर माइनस आर थ्री। अब तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, एक एक करके आर वन आर टू और आर थ्री की वैल्यू रखो। आर वन कितना था, वन था, आर टू कितना था, फोर था, और आर थ्री कितना था, नाइन था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, वैल्यूज पुट अप कर दी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा मिटा दिया, ये कितना हो जाएगा, टू, वैल्यूज रखते जाओ, ये कितना हो जाएगा, ये वन है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू, ये हो जाएगा आर, ये कितना हो गया, फोर हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर माइनस फोर हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन आर हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आर माइनस नाइन हो गया, यहाँ पर भी रख दो, ठीक है। अच्छा इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, तो तुम देख लो कितने आर दिख रहे हैं तुम्हें, एक दो तीन, तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर एट, ठीक है। रूट में कैसे आ जाएगा, ऐसा जाएगा आर रूट आर, आ रहा है ना समझ में, आर के ऊपर पावर कितना है, थ्री, और बाहर यहाँ पर कितना है, स्क्वायर रूट है, तो कितना आ जाएगा, आर रूट आर आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इस तरह से आ जाएगा वन, ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है, तो वन फोर नाइन आ गया, सही है। और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस वन हो गया, ये आर माइनस फोर हो गया, ये आर माइनस नाइन हो गया, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ से देख सकते हो, देखो कुछ कट रहा है इधर से, क्या क्या कट रहा है, जैसे यहाँ से रूट आर कटेगा,
ठीक है, यहां से भी रूट आर कटेगा, यहां से भी रूट आर कटेगा और यहां से भी रूट आर कटेगा। आ रहा समझ में आप क्या कर रहे हैं? तो तुम देख लो यहां पर बच क्या गया, एक तो क्या करो चलो टू कॉमन निकालो, ये वन हो जाएगा आर माइनस वन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, ये जो रूट फोर लिखा है बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब टू आ जाएगा और ये आर माइनस फोर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये थ्री और ये हो जाएगा आर माइनस नाइन। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? टू तो हमने कॉमन निकाल ही लिया, ये कितना हो जाएगा एट, यहाँ पर भी रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री और एक आर बचा हुआ है तो यहाँ पर कितना है आर माइनस वन, ये हो जाएगा आर माइनस फोर और ये हो जाएगा आर माइनस नाइन। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हमने देखा ये टू से ये टू भी कट गया, ठीक है। अब तुम क्या करो एलसीएम ले लो, जब तुम एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा राइट, ऊपर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आर माइनस फोर, ये हो जाएगा आर माइनस नाइन, ये कितना हो जाएगा टू टाइम्स, ये हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा आर माइनस नाइन प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री टाइम्स, जाएगा आर माइनस वन और ये हो जाएगा आर माइनस फोर, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर थ्री इंटू एट इंटू आर, ठीक है, और डिनोमिनेटर पूरा कट गया राइट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, तुम इसको सॉल्व करो, ठीक है, पूरा सॉल्व करो इसको, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या लिखा है क्वाड्रेटिक लिखा है, तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। और जो भी तुम्हारा आंसर आना चाहिए, हो सकता है दो रूट्स आएंगे तो तुम्हारा जो भी आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नाइन से बड़ा होना चाहिए। क्यों नाइन से बड़ा होना चाहिए, देखो सीधी सी बात है ना, अगर इस तरह से मैंने बना रखा है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा है, ये इस तरह से है, तो इसका रेडियस वन था, इसका फोर था, इसका नाइन था, तो मैक्सिमम नाइन था, और ये वाला जो सर्कल है तो बड़ा है इससे, तो मतलब आर नाइन से तो बड़ा ही आना चाहिए, मतलब अगर नाइन से कम आ रहा है कोई तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। अरे समझ में यहाँ पर क्या करना है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, इसको तुम अंदर मल्टीप्लाई करो, कर लो कैलकुलेट, मैंने तुम्हें लाइन ऑफ थिंकिंग बता दी है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लिया इसको, चलो और आगे करते हैं।